ये मैंने दो कंटेनर ले लिए लॉक लो वाले, कि ये कॉइल पे भी काम करे और इंडक्शन पे भी काम करे, क्योंकि नहीं वहां क्यों पे बहुत सारी ऑफर्स वगैरह चलती हैं। और सेम इन द केस ऑफ फोन। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू एचके टीवी। तो जैसे कि आपको थंबनेल देखे पता चल ही गया होगा, आज हम करने वाले पैकिंग। और इस ब्लॉग में मैं आपको सारी पैकिंग दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एज अ स्टूडेंट हमें कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और पैकिंग करने के बाद हम देखेंगे अगर तो वेट ओवरवेट हो रहा हुआ तो कुछ ना कुछ निकालेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैंने अगर ओवरवेट हुआ तो मैंने क्या निकाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सारी शॉपिंग करने के बाद मेरा कमरा कुछ ऐसा लग रहा है, देख लो पूरा कमरा भर गया। मेडिसिन ले ली है और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लो तो उसके साथ आप एक प्रिस्क्रिप्शन जरूर बनवा लो। ये मेरी एक रफ प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है कि किसने रेकमेंड की, और ये प्रॉपर बिल है मेडिसिन का। ये तो एक रफ प्रिस्क्रिप्शन है इसलिए इसमें मैंने पेन से लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें किस काम आती हैं। ये इसको हम रख देते हैं। और इसके साथ मैंने एक ग्रूमिंग किट बनाई है जिसमें शैम्पू कंडीशनर फेस वॉश एंड सीरम एंड ऑल बड्स वगैरह डाल दी जिसमें मैंने। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनिशियली जाके तो बंदे को ये ग्रूमिंग किट बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप स्टडी करने जा रहे हो तो अगर आप रजिस्टर पेन वगैरह नहीं लेके जाओगे तो उसका भी क्या फ़ायदा। तो मैंने दो रजिस्टर्स ले लिए हैं और इसके साथ मैंने एक किट बना ली जिसमें पेन पेंसिल स्टेपलर इरेजर सब कुछ है। और इसके साथ मैंने एक टेप रख ली क्योंकि कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके साथ मैंने दो पौने ले लिए, ये रोटी पैक करने के भी काम आते हैं और डब्बे में मतलब रोटी को गर्म रखते हैं और सूखने से बचा दे मॉइस्चराइज रखते हैं। और इसके साथ मैंने तीन ऐसे कंटेनर ले लिए, न्यासा के कंटेनर हैं और इसमें मैंने ये डाले हुए हैं जो टेप वाली हुक्स आती हैं ये, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि रूम में कैसा होगा जो मैंने रूम लिया है क्योंकि उसमें हुक्स होंगी नहीं होंगी, तो मैंने ये रख लिया। और इसके साथ ये क्लीनिंग के लिए मैंने ये ले लिया और साथ में बर्तन वगैरह धोने के लिए ये ले लिया है। और इसके साथ मैंने एक टिफ़िन बॉक्स लिया है न्यासा का इको डुप्लेक्स, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मतलब टिफ़िन बॉक्स बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी हम ऑफिस में यही यूज़ करते हैं। इसके साथ ये दो ऐसी डब्बी आती हैं लॉक वाली, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आती है रोटी वाली डब्बी, ये भी लॉक वाली है और ये बहुत बढ़िया गर्म रखती है रोटी को बहुत देर तक। तो हमें ये टिफ़िन हमने ले लिया, ये टिफ़िन बढ़िया लगा हमें और ये अच्छा भी है कंपनी का, तो ये हमने ले लिया। इसको पैक कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक मैंने टी स्ट्रेनर ले लिया क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है, तो टी स्ट्रेनर एक ले लिया। और ये मैंने दो कंटेनर ले लिए लॉक वाले, ये माइक्रोवेव सेफ हैं, है तो स्टील के बट माइक्रोवेव सेफ हैं, ये जेपी प्लस कंपनी के हैं, इस कंपनी के स्टील के आते हैं माइक्रोवेव सेफ। और इसके साथ मैंने एक वुडन स्पैचुला ले लिया और एक प्लास्टिक का स्पैचुला ले लिया क्योंकि जो मैंने कढ़ाई सेट लिया है उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी, कढ़ाई सेट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और एक मैंने चकला बेलन ले लिया, ये चकला बेलन रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने की मुझे कम ही आती है पर सीख ली थोड़ी बहुत, मम्मी ने सिखा दी थी। एक मैंने ये सर्विंग स्पून और ये ले लिया ये परांठे बनाने के लिए, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे। एक मैंने मिल्टन की बोतल ली है, ये 24 आवर्स तक इसको गर्म रखती है, ठंडा रखती है पानी को। और इसके साथ ही मैंने दो प्लेट्स लिए हैं जिसमें मतलब दो पोर्शन है जिसमें आप सब्जी वगैरह भी रख सकते हो, ये माइक्रोवेव सेफ भी हैं। तो चलो मैं आपको अपना कढ़ाई सेट दिखाता हूँ, ये इसको साइड पर रख देते हैं। इसमें एक तो सॉस पैन है जिसमें हम चाय वगैरह बना सकते हैं, चावल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। और एक है छोटी कढ़ाई, फ्राई पैन कहते हैं इसको, और ये मैंने देख के लिया है कि ये इंडक्शन पे भी काम कर जाए और कॉयल बर्नर पे भी काम करे। तो आपको अगर ये कढ़ाई सेट लेना है तो आप इसको पीछे से देख के लो कि ये कॉयल पे भी काम करे और इंडक्शन पे भी काम करे, नहीं क्योंकि वहाँ पे कनाडा में ज़्यादातर इंडक्शन काम होता है। और इसके साथ एक सेट लिया मैंने, एक कढ़ाई है बड़ी वाली जिसके साथ एक ग्लास का ढक्कन मिला हमें। तो और इसके साथ मैंने ले लिया था एक, मेरे पास ये मग पड़ा था स्टील का,
मतलब बाहर से दिखने से नहीं लग रहा कि ये ढक्कन है, ये पूरा एयर टाइट हो जाता है और ये गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है। और चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके साथ मैंने एक किट बना ली थी जिसमें सारा सुई धागा वगैरह है, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें इंची टेप, सुई धागा वगैरह सब कुछ है, सुइयाँ भी हैं, 5-6 सुइयाँ हैं, 3-4 तरह की अलग अलग रीलें हैं। और इसके साथ मैंने 2 गिलास ले लिए, ये स्टील के गिलास हैं, मतलब ठीक है, मेरे पसंद आए मुझे। और ये मैंने ले लिए 2 क्लिप के पैकेट, ये क्लिप बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि अगर हम पैकेट को खुला छोड़ दें, मतलब पैकेट को खुला छोड़ दें ना, तो उसमें मॉइस्चराइज़र आ जाता है और वो सलाब जाती है, तो ये जो क्लिप है उससे बहुत काम आता है। और 2 प्लेटें मैंने छोटी प्लेट्स ले ली हैं कुछ भी खाने के लिए, और एक नींबू निचोड़ कहते हैं इसको, ये ले लिया। इसके साथ 2 बाउल हैं स्टील के, और इसमें है 2 चम्मच हैं, एक नाइफ है और एक परांठे को तेल लगाने के लिए ब्रश है, और मैंने ये ले लिया। ये हम इसको इधर रख देते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक, इसको हमारे यहाँ नमकदानी बोलते हैं, इसमें सारे मसाले वगैरह एक ही जगह पे आ जाते हैं और इस पर ढक्कन लग जाता है, इसमें एक चम्मच भी मिला। ये मैंने लोकल कंपनी का ले लिया, क्योंकि जो ब्रांडेड था ना वो भारी बहुत था, वो इसलिए इसमें एक चम्मच भी है, इसमें हम सारा कुछ डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही जैसे कि मैं वैंकूवर जा रहा हूँ, तो रेनकोट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है, तो मैंने एक रेनकोट ले लिया। ये मतलब जिप वाला रेनकोट है, इसमें मतलब ट्रैक पैंट और जैकेट है, तो ऐसे ऐसे करके लिया। और 2 टावल हो गए मेरे पास, 2 फुल टावल हैं और एक हाफ टावल है, मतलब हाफ टावल है आई मीन हैंड टावल। और इसके साथ ही मैंने 12 पेयर ऑफ सॉक्स लिए हैं, ये सारी मैंने जॉकी के लिए हैं, क्योंकि ये मुझे मतलब जॉकी कंपनी के सॉक्स हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने ये लिया है, ये मतलब शू बैग है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसमें शूज़ पैक कर सकते हैं हम, मतलब ऐसे मतलब गंदे होते हैं ना शूज़, तो इसमें डाल के रख सकते हैं और इसको फिर ऐसे करके बंद करके बैग में डाल सकते हो आप। ये बहुत ही कन्वीनियंट है ये शू बैग्स। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हाफ टी शर्ट्स। हाफ टी शर्ट्स में मेरे पास राउंड नेक वाली टी शर्ट्स हैं, 7-8 टी शर्ट्स हैं, जिसमें से वाइट भी हैं, ब्लैक भी है और मल्टी कलर भी है। इसमें एक फुल स्लीव की भी है राउंड नेक, तो ये हो गई। और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ डेनिम्स, और जिसमें एक है कार्गो, ये कार्गो पैंट लिया मैंने टिम पेरिस से, और बाकी सभी जीन डेनिम्स मेरे पास पड़ी थी, ये सभी लिवाइस की हैं, क्योंकि लिवाइस की फिटिंग बढ़िया है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कॉलर वाली टी शर्ट्स। कॉलर वाली टी शर्ट्स आप मतलब पार्टी में डाल सकते हो, कॉलेज वगैरह में भी डाल सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके साथ मैं आपको नॉर्मल ट्रैक पैंट्स दिखाता हूँ जो मैंने लेके जानी है। ये मेरे पास 7 ट्रैक पैंट्स हैं, एडिडास, प्यूमा, नाइक सभी कंपनी की मैंने 2-2 ले ली, तो ये मेरे पास 7 ट्रैक पैंट्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ ही मैंने 2 शॉर्ट्स ले ली, ये मेरे पास 2 शॉर्ट्स पड़ी थी, क्योंकि घर पे तो मुझे आदत है शॉर्ट्स पहनने की, और वहाँ पे हीटर लगा होता है घरों में, तो शॉर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ मैंने अंडरगारमेंट्स उठाए हैं, ये मैंने 18-19 पेयर्स ऑफ रखे हैं, क्योंकि आप ये जितने लोग उतने कम हैं आप, क्योंकि उधर डेली तो लॉन्ड्री कर नहीं सकते, तो कभी कभी लॉन्ड्री करते हो वंस इन अ वीक या ट्वाइस, मतलब वंस इन 2 वीक ले लो, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये मैंने ले लिए 2 विंटर वाले ट्रैक पैंट्स, क्योंकि विंटर में काम आ जाएंगे ये दोनों ही मेरे ट्रैक पैंट्स हैं, और ट्रैक सूट भी हैं, इनके साथ मेरे पास हुडीज़ भी हैं। और हम बात करते हैं अब हुडीज़ की, तो ये दो मेरे पास हुडीज़ हैं, और ये 2-3 पुलओवर्स हैं मेरे पास, ये विंटर में काम आएंगे। और ये स्वेटशर्ट है, ये तो मतलब एक तरह की विंड चीटर है, प्यूमा की फरारी वाली। और इसके साथ वो ट्रैक पैंट का जो मैंने बताया था कि ट्रैक सूट है, उसकी जैकेट है, और ये हाफ चेस्टर है, हाफ जैकेट, और इसके साथ एक हुडी वाली एक और है। तो बात करते हैं हम शर्ट्स की। शर्ट्स मैंने उठा ली, 7 शर्ट्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पड़ी थी, मैंने कोई भी न्यू शर्ट नहीं ली, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं पुरानी शर्ट्स कोई यहाँ पे रख के जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा साइज किसी के हाथ नहीं है, तो मैं सारा सामान यहाँ वाला भी लेके जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं विंटर्स की, जो मेन जैकेट्स हैं,
जैकेट्स मैंने कोई भी न्यू परचेज नहीं की, मेरे पास पड़ी थी सभी। और एक मैंने, जिसमें से एक मैंने मफलर ले लिया, मफलर भी पड़ा था। एक लॉन्ग कोट है फॉर्मल, ये मैंने उठा लिया। उसके बाद एक डेनिम जैकेट है, एक वर्सिटी जैकेट है और दो फ्लफी जैकेट है जिसको पफर जैकेट बोलते हैं, ये मैं लेके जा रहा हूँ। ये मेरे कोई भी न्यू परचेज नहीं करी, ये मेरे पास सभी यहाँ पे पड़ा था। और इसके साथ ही मेरे पास एक ब्लेजर है, फॉर्मल सूट है जिसमें वास्केट ब्लेजर एंड पैंट आ जाती है, तो मैंने ये उठा ली। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो क्विल्ट लिया है, एसी कंफर्टर कहते हैं इसको, ये बहुत ही लाइट वेट होता है और गर्मी में भी काम आ जाता है और विंटर्स में भी काम आ जाता है। इसके साथ मेरे को बेडशीट मिली थी पिल्लो वाली, और एक पिल्लो वाली बेडशीट मैंने एक्स्ट्रा ली थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके साथ की बेडशीट है, और इसके नीचे जो बेडशीट पड़ी है वो पिल्लो वाली है। मैंने विंटर्स वाली नहीं ली बेडशीट, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं यहाँ पे भी विंटर्स में भी यही यूज़ करता हूँ, गर्मियों वाली बेडशीट। तो चलो इसके बाद मैं आपको अपने शूज़ दिखाता हूँ। तो शूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये सभी पेयर्स मैं लेके जा रहा हूँ। मेरे पास एक तो मेरे पास रेड टेप के पड़े थे स्पोर्ट्स शूज़, ये कंफर्टेबल भी हैं और बढ़िया हैं। और इसके साथ ही मैंने एक एडिडास के न्यू शूज़ मंगवाए हैं, एडिडास के मतलब सेल चल रही थी तो मैंने यहीं से ले लिए। ये मेरे पास एक स्लीपर्स है, रेड टेप के ही हैं ये भी। और एक मैं बूट्स लेके जा रहा हूँ, ये मतलब डेनिम के साथ भी पहन सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं एज अ फॉर्मल भी पहन सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज में भी मैं एज अ फॉर्मल इसको ही पहन के चले जाता था, क्योंकि आगे से बिल्कुल फॉर्मल लुक आ रही है इसकी। और इसके साथ ही एक स्पोर्ट्स शूज मैंने एडिडास के और लिए हैं, और इसके साथ एक स्लीपर्स एक और है, और ये कन्वर्स के वाइट शूज पड़े थे मेरे पास, ये भी ले जाता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले तो मेरा फोन का बॉक्स हो गया, जो मुझे लेके जाना है, ये तो बहुत जरूरी है, और जिसमें वारंटी वगैरह सब कुछ आ जाता है। और इसके साथ ही मेरे पास एक हैवल का ट्रिमर पड़ा था, ये मैंने नया नहीं परचेज किया, पैकिंग देख के अगर आपको लग रहा होगा कि नया परचेज किया है तो ये नया नहीं है, ये मेरे पास पहले से पड़ा था। और इसके साथ ही एक पावर बैंक मैंने नया लिया है, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे ट्रैवल करते हुए पड़नी थी, तो ये मैंने MI का ले लिया, 10,000 mAh का, और ये लगभग मुझे पड़ा था 1900 के आसपास। ये पावर बैंक बहुत बढ़िया है। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ग्लोबल मल्टी कन्वर्टर, इंटरनेशनल कन्वर्टर, जिसमें आपको सभी तरह के मिल जाते हैं, क्योंकि कनाडा में हमारे इंडियन प्लग्स नहीं चलते, वहाँ पे ये वाले चलते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको खोल के। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पे लेके जाना, क्योंकि जो हमारे इंडियन प्लग्स है वहाँ पे काम नहीं करते, तो ये हमें कन्वर्टर लेके जाना चाहिए। इसके साथ ही मैंने एक ट्राईपोड लिया है, ये मेरे पास पहले से ही पड़ा था, ये अमेजोन बेसिक्स का ट्राईपोड है, ये मतलब व्लॉग वगैरह फोटो वगैरह खींचने के काम आता है। इसके साथ ही स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरा अकाउंट्स की स्टडी है, तो मैंने एक कैलकुलेटर भी ले लिया साथ में। और अगर हम लैपटॉप की बात करें, तो लैपटॉप अगर आपके पास यहाँ पे है तो यही लेके जाओ, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे जाके परचेज करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स वगैरह चलती हैं। और सेम इन द केस ऑफ फ़ोन भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो ले जाओ, बढ़िया है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से मत लो, वहीं पे जाके लो। मेरे पास तो एप्पल का पड़ा था पुराना, तो मैं तो यही लेके जा रहा हूँ, और ये बढ़िया भी है। और इसके साथ ही एक वॉच है मेरे पास फास्ट ट्रैक की, और परफ्यूम लेके जा रहा हूँ, द मैन कंपनी का परफ्यूम है, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और अगर आपको स्पेक्स लगी है, अगर आपकी आईसेट वीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत मस्ट हैं, एज यू कैन सी। तो मैंने 4 pairs ऑफ स्पेक्स बनवा ली थी, ये सभी मैंने लेंस कार्ड से बनवाई है, एज यू कैन सी लेंस कार्ड से बनवाई है, ये चारों लेंस कार्ड की हैं। और इसमें तीन तो नॉर्मल स्पेक्स हैं, और एक मेरी पावर की सनग्लासेस है, जिसमें मतलब सनग्लासेस हैं बट पावर वाली हैं। और इसके साथ ही मेरे पास एक हेडफोन पड़े थे बोट के बड़े वाले, ये मैं जिम वगैरह के लिए यूज़ करता था, तो ये भी साथ में लेके जा रहा हूँ, इसकी एक ऑक्स है इसके साथ। तो और आप ये मेरे चार्जर वगैरह, लैपटॉप का चार्जर हो गया, फ़ोन का चार्जर हो गया, ट्रिमर का चार्जर तो इसी में आ गया, और पावर बैंक की वायर भी इसी में ही आ गई। तो ये तो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स।
और इसके साथ मैं एक छोटा हैंड बैग लेके जा रहा हूँ। ये टॉमी हिलफिगर का बैग मेरे पास पड़ा था पहले से ही, और ये बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इसकी अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो नीडी चीज़ें होती हैं वो एक 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 साथ में ही आ जाती हैं। तो ये हमारे हो गए, क्लोथिंग होगी, मेडिसिन्स भी मैंने कवर कर। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो मैंने एक ऐसा मेरे पास फाइल फोल्डर पड़ा है जिसमें हम सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ये मतलब ऐसे जिप लगा के कर सकते हैं हम, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने लेफ्ट साइड पे मैंने पासपोर्ट रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पासपोर्ट हो गया। और इसके साथ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपको कि आप अपनी ना फोटोग्राफ्स निकलवा के लेके जाओ कम से कम 40 to 50, क्योंकि वहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही महंगी हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो जो मेरे ये हो गया 10th का, ये प्लस टू का, ये भी प्लस टू का, ये मेरी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, ये सभी ओरिजिनल हैं। और ये मेरी डिग्री का कवर हो गया। इसके साथ ही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैंने एक अकाउंटिंग का कोर्स किया था, कनाडा की अकाउंटिंग का कोर्स, ये उसके सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये मेरे जॉब के एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं, तो ये बहुत ही काम आएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें हैंडी क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें एयरपोर्ट पे मांग सकते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बना ली थी पहले, इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स लाइन वाइज ही लगे हुए हैं। ये जैसे हो गया, सबसे पहले टिकट होगी, फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया जो कि आपका इंटरनेशनल होना चाहिए, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर ज़रूर होना चाहिए। तो एक आइल्स का TRF हो गया, एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होगी, एक VFS कंसेंट फॉर्म आया था मुझे वो हो गया, एक VCC पेमेंट रिसिप्ट जो मेरी कॉलेज की पेमेंट रिसिप्ट है वो हो गई, एक उसकी जो पेमेंट की इंस्ट्रक्शन थी वो, और SOP और VCC फ्लाईओवर पेमेंट कंफर्मेशन, जो मैंने पेमेंट की थी उसकी कंफर्मेशन होगी। ये सभी चीज़ें मैंने अपनी अकॉर्डिंगली रखी हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट आपको ये अगर चीज़ें आप सब कुछ रख सकते हो अपने हैंड बैग में, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एयरपोर्ट पे क्या चीज़ मांग लें आपसे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया पासपोर्ट रिक्वेस्ट, जो मेरी PPR आई थी वो, उसकी फोटोकॉपी, ऑफर लेटर, ये LOA लिखा है यहाँ पे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कॉलेज देता है हमें, एक एम्बसी की जो फीस रिसिप्ट थी जो लगभग $250 की होती है शायद, तो एक वो होगी, एक मेरे मेडिकल के सारे पेपर्स हो गए जो मेरे मेडिकल हुआ था, और ये हो गया पासपोर्ट सबमिशन से जो मुझे मेल आई थी वो मैंने PDF बना के वो उसकी प्रिंट निकलवा के रखा हुआ है। ये सभी चीज़ें जो मेल है ना मुझे, ये मेल भी मैंने प्रिंट निकलवा के रखी हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या मांग लें। उसके बाद आ गया ये ग्लोबल VFS की ग्लोबल रिसिप्ट आई थी, ये भी मैंने निकाल के रखी है। उसके बाद आ गया GAC सर्टिफिकेट, जो हमारी हम GAC $10,000 की करवाते हैं, ये उसका सर्टिफिकेट है। उसके बाद आ गया वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जो मेरी बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन मतलब जो मुझे मेल आई थी, ये मेरे वो भी निकलवा के रखी हुई है। एक बार उसके बाद आता है बिल, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर बायोमेट्रिक जाने से पहले मिलता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर होता है एक बायोमेट्रिक का, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद आ गया बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी अपने हैंडी बैग में रखनी है, कि जो मतलब एयरपोर्ट पे जो जो चीज़ें मुझे मांग सकते हैं। उसके बाद आ गया GAC पेमेंट रिसिप्ट, जो मैंने पेमेंट की थी, पहले तो मैंने आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाया था, अब ये पेमेंट की रिसिप्ट है कि मैंने पेमेंट करी हुई है। उसके बाद IRCC एप्लीकेशन कंफर्मेशन की, मेरी जो एप्लीकेशन है, जो मैंने मतलब अपना वीज़े की एप्लीकेशन डाली थी, वो कंफर्मेशन मेल मैंने रखी हुई है। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स रिटर्न्स अपने मम्मी पापा की रखी हुई हैं, जो कि मैंने फाइलिंग में लगाई थी। उसके बाद आ गया स्कोशिया एप्लीकेशन कंफर्मेशन मेल, जो कि मतलब जब मुझे स्कोशिया में अकाउंट ओपन हुआ था तो मुझे एक मेल आई थी, वो भी मैंने यहाँ पे रख ली। एक VCC कोर्स रजिस्ट्रेशन मेल होती है, तो मैंने वो भी मतलब उसके भी स्क्रीन मेल जो आई थी PDF डाउनलोड करके वो भी रख ली। उसके बाद एक मैंने पासपोर्ट फोटोस्टेट रखी हुई है इसमें। ये सभी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें हाथ में रखनी चाहिए, ये एयरपोर्ट पे काम आ सकती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो एयरपोर्ट वाली नहीं है, बट ये जो फोल्डर है ये आपको मस्ट बनाना चाहिए, ये ज़रूर आपको काम आएगा। और आपको ऐसे रखना चाहिए ताकि आपको फोल्डर खोल के आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़ा है। ये लाइन वाइज जो जो लिखा हुआ है अंदर भी ऐसे लाइन वाइज मैंने रखा हुआ है सारा कुछ। तो इसको हम रख देते हैं वापस। और इसके साथ ही मैंने एक और फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें
सभी चीज़ों की फोटोकॉपी रखी हुई है। फोटोकॉपी रखवा के ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाऊंगा सभी, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है इसमें, चाहे मेरे एकेडमिक्स हो, चाहे मेरे आधार कार्ड हो, चाहे कुछ हो, चाहे रिज्यूमे हो, ठीक है, चाहे मेरा पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ मैंने इसमें रखा हुआ है। ये फोटोकॉपीज हैं, क्योंकि फोटोकॉपीज की भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो मैंने ये फोटोकॉपीज रखा करवा के रखी हुई हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैं इतने ही लेके जा रहा हूँ, जो मेरे पुराने डॉक्यूमेंट्स थे जैसे 8th का 5th का 7th का वो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वो मैंने फाइल सबमिशन में भी नहीं लगवाया। आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए जो आपने फाइल लगाई थी, जब तब आपने अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपको ज़रूर अपने हैंडबैग में लेके जाने चाहिए। ये जो पूरा फोल्डर है। तो ये था आज का ब्लॉग, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो शेयर करना मत भूलना।